एक बार फिर भोपाल की खबर आपको बताएं, जहां पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने प्रेस वार्ता की। मंडियों में किसानों की मौत हो रही है, उन्होंने कहा सरकार यात्रा में व्यस्त है। कमलनाथ के ये आरोप है सरकार के ऊपर। पेट्रोल डीजल के दाम आम जनता को परेशान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। बीजेपी 26 मई को जश्न मनाने जा रही है। कांग्रेस 26 मई को हर जिले में विश्वासघात दिवस मनाएगी। दिग्विजय सिंह 31 मई से यात्रा की शुरुआत करेंगे। उठा रामराजा सरकार के दर्शन कर यात्रा की शुरुआत होगी। 31 से जून तक यात्रा रहेगी छतरपुर में और फिर 2 जून को पन्ना ये यात्रा पहुंचेगी। यात्रा में उम्मीदवारों के बायोडाटा नहीं लेंगे। 31 अगस्त तक पूरे मध्य प्रदेश में यात्रा की जाएगी। दोपहर 12 से 1 बजे के बीच यात्रा के दौरान मीडिया से भी चर्चा होगी। एक बार फिर आशीष मंगल सोनी मेरे सहयोगी जानकारी देंगे। आशीष, यहाँ रूटीन भी सामने आया है कि किस तरह से यात्रा होने वाली है, लेकिन इस बीच आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए सरकार पर कि सरकार यात्राओं में व्यस्त है, किसानों की मौत हो रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जनता परेशान है। अरुण, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में आज दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी के अध्यक्ष कमलनाथ ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता का मकसद था कि समन्वय समिति के अध्यक्ष बनने के बाद दिग्विजय सिंह ने समन्वय समिति की पहली बैठक पीसीसी दफ्तर में ली और इस बैठक में यह तय किया गया कि मध्य प्रदेश में कैसे जिन नेताओं में आपसी सामंजस्य नहीं है, उन वहां जाकर आपसी सामंजस्य स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना, ताकि मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को कोई तकलीफ ना हो। इसके साथ ही आज यात्रा का रोड मैप तैयार किया गया, जिसमें 31 मई से दिग्विजय सिंह टीकमगढ़ जिले के ओरछा में रामराजा मंदिर में दर्शन करके यात्रा की शुरुआत करेंगे और उसके बाद 31 अगस्त तक हर जिले में यात्रा पूरा करने का ये रोड मैप है। इसके साथ ही यात्रा में किसी भी प्रकार से किसी उम्मीदवार का बायोडाटा नहीं लिया जाएगा और जो आपसी समन्वय स्थापित करने का काम है सिर्फ वो ही किया जाएगा। इसमें कोई जनसभा आमसभा जैसा कोई काम नहीं होगा, वो कैंपेन कमेटी का काम है, दिग्विजय सिंह ने साफ कहा। इसके साथ ही कमलनाथ का कहना है कि मध्य प्रदेश में पेयजल का संकट गहरा रहा है, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, लिहाजा सरकार के जनता में सरकार के खिलाफ गुस्सा है और ऐसे में 26 मई को मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने पर जहां बीजेपी जश्न मनाने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस हर जिले में विश्वासघात दिवस मनाएगी और जनता को ये बताएगी कि मोदी सरकार ने किस तरह से जनता को छला है।